अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम प्रेस ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रात में करी थी आपको फोन, फोन का नहीं उठा रहे थे, बिजी थे शायद सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, यहाँ पर मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ दे रहे लोग हमें को, तरह तरह के बातें करते हैं, मारते हैं। मेरी ननद मेरे को रात में मारने आ गई थी, फकीरों के जैसा खाना मांगते हैं ना, उन्होंने डाले तो खाना, नहीं तो जो बढ़ना, हम हमारे खुद से खाना भी डाल लेने का हक नहीं है हमारा, इतना भी हम जाके डाल ले नहीं सकते। ये जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ भाई, ऐसा तकलीफा देते सर। शोर मार है आवाज में, मार मार के मार दे रहा था, सांस यहाँ ला लिए, यहाँ ला लिए, तो नन्ना सा बुढ़ी पड़ रहे, बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते बोल के धमकी देते मेरे को, मेरे को मेरे बच्चे हो ना सर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत बोले तो बहुत, खाने खाने को तरसना पड़ रहा हमारे को यहाँ पर, ला लेने के बाद में बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते बोल के धमकी देते। मेरे को 5 बच्चे है सर, ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये मेरा दूसरा बच्चा है, एक बच्ची है, ये मेरा बेटा है, एक ये छोटा है, ने सो गया, इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है, खाली ने अकेला है सर, इसका कुछ भी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, छोटा बच्चा है, नहीं आने के बाद में हुआ, मेरे को एक बच्चे को भी नहीं देते, तेरे को अकेले को भेज देते, रोजाना मारो पेटी का लड़ाया हो रहा सर, हर कोई आ जाते लड़ने के वास्ते, रात में तो मारम पीटी शुरू हो गई थी सर, मेरे को मदद की बहुत जरूरत है, मेरे को किसी भी तरह निकालो सर यहाँ से, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ सर, इन लोगों के हाथ मरना नहीं है मेरे को, लोगों पेट को खाना डालना तो दूर की बात, तरह तरह के बाधा करके खाना तरसा तरसा के डालते, खाना खाने के वास्ते लड़ना पड़ रहा मेरे को, खाना डालने के वास्ते बच्चों को, बहुत मुसीबत में हूँ सर, मेरे माँ बाप का नैतिक गुंजाइश नहीं है मेरे को आगे लेके जाने की, मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, बल्कि मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं लोग, कोई भी लेके नहीं जाते थे को, कोई तेरी बात नहीं मानता, तो जा ही नहीं सकती यहाँ से, जाना है तो पूरे बच्चों को छोड़ के अकेले चले जाना,